पहुंचाना, लोगों को प्रेरणा देनी कि भाई यह धर्म है, यह सतगुण धर्म ने, आ चंगे गुण ने जेडे एक मुसलमान ने भी धारण करने ने, एक हिंदू ने भी धारण करने ने, एक सिख ने भी, ईसाई ने भी, ये तो साढ़े सारे की सांझी संपत्ति है। जेड़ा सत है इस तो सखना कोई धर्म नहीं, संतोख तो सखना कोई धर्म नहीं। कोई धर्म नहीं कहता कि चोरी करनी जी है बड़ा चंगा कर्म है, कोई धर्म नहीं कहता कि किसी दूजे उत्ते जुल्म करना चंगा काम है। जे असी फिर भी करते हैं तो वो इस कारण कि असी अपनी आर्गेनाइजेशन धर्म समझ लिया, तो यह समझ लिया कि जिहड़ा व्यक्ति साड़ी आर्गेनाइजेशन में आएगा वह धार्मिक है, दूजा अधार्मिक है। इस दे कारण असी धर्म के नाते अज इतने अशांत हाँ। सो ये नहीं कि किसी धर्म की मर्यादा जिहड़ी है ये कोई महापुरखा ने मर्यादा कायम की है, अनुशासन कायम किया है, उस अनुशासन दे पिछे ये दृष्टि नहीं कि ये स्वरूप डिवाइन है तो दूजे स्वरूप जिहड़े ने वो डिवाइन नहीं हैं। उसकी वैल्यू सिर्फ इतनी है कि एक संगठन वास्ते इको जिहा विचरण चाहिदा है। संगठन की लोड़ जिहड़ी है वो इस करके है कि सारी मानवता विच सदगुण प्रचारने हन, धर्म प्रचारना है। तो साडा की होया कि असी संगठन नूं समझ लिया धर्म, पंज ककारां नूं समझ लिया धर्म, पंज ककारां दी एक जिउंदे मनुख नाल एक आर्गेनाइजेशन दे तौर ते महत्व है। जे सूतक ने वो मूआ वो झड़ पिया तो ठीक ये स्थिति साढ़े ककारां दी भी, ये मरांगे तो खत्म हो जाएंगे, ये थोड़ा नाल जाने ने। नाल जाने वाली चीज़ जिहड़ी है वो मुसलमान दे नाल भी वही चीज़ जानी है, वो हिंदू दे नाल भी वही चीज़ जानी है, सिख दे नाल भी वही चीज़ जानी है। वो तो जाना है उहदा शुभ अमल, शुभ अमलां बाझो दोनों रोए। शुभ अमल जिहड़ा है ये मेरा तो मुसलमान का वंडिया होया जे हुंदा तां बाबा फरीद गुरु ग्रंथ साहिब विच कदे नहीं हुंदे। बाबा फरीद नाल मेरी मस्जिद की सांझ नहीं है, उहदी तस्बीह नाल मेरी सांझ नहीं है, उहदियां बाहरियां चीज़ां नाल मेरी सांझ नहीं है, परंतु उन्हां बाहरलियां चीज़ां दे वास्ते मेरे मन विच जे मैं धार्मिक हाँ तो नफरत भी कोई नहीं। मजहब तुम्हारा तुमको खूब, ये जिहड़ा मजहब है ये हुण किहड़ा है, बाहरला मजहब हमारा हमको खूब। मेरे पंज ककार चंगे हैं परंतु मुसलमान की जिहड़ी नमाज है उसकी अजान है उहदे वास्ते वह चंगी है। तो मेरी सांझ जिहड़ी है वह मसीत नाल शायद ना होवे, मंदिर नाल शायद ना होवे, उन्होंने महापुरशां नाल भी शायद ना होवे, परंतु इन चीज़ां नाल जे मेरे मन विच नफरत का भाव है तो फिर मैं धर्म किनू समझ लिया है, अपनी पंज ककारी रहत नू। हालांकि की है कि पंज ककारी रहत मैं इस कारण धारण की सी कि यह मैं आर्गेनाइजेशन विच संगत विच रल के ते धर्म दे सदगुण प्राप्त कर सकां। तो जिहड़ी बाबा फरीद साहब नाल साडी सांझ है, कबीर जी नाल सांझ है, नामदेव जी नाल सांझ है, ये बाहरी रहत मर्यादा की सांझ नहीं है। ये साडी सांझ जिहड़ी है ये उस धर्म की सांझ है जिहड़ा सारी मनुखता का इको है, जिस नूं असीं टुकड़ियां विच वंड नहीं सकते, ना किसी धरती के खिते नाल संबंधित कर सकते हैं, क्योंकि धरती का तो सहारा ही है, ये धर्म जिहड़ा धरती का तो आसरा ही है। ते केवल इस धरती का आसरा नहीं है बल्कि सारी स्थूल प्रकृति ने जदों जन्म लिया तदों ये धर्म जन्मया है, तो जदों ये प्रकृति नष्ट हो जाएगी ये धर्म फिर वाहिगुरु विच विद्यमान होगा, ये उहदे च विलीन होगा, ना ये जमया है ना ये मरिया है। साड़ी कमजोरी कित्थे आ गई है,
साड़ी कमजोरी इत्थे आ गई कि असी धर्म नूं समझ लिया। 1469 विच इहदा आगमन हो गया। किसी ने समझ लिया कि हज़रत मुहम्मद साहब वो जदों धरती ते आए तां धर्म उहनां नाल आ गया। उहनां ते किहा नहीं सी, उहनां इह नहीं सी किहा। गुरु नानक साहब ने भी किया भी तू सतगुर चौं जुगी आप आपे परमेश्वर। चारे युगों च धर्म वरतदा बाणी कहिंदी है। कहिंदे उहदियां फॉर्म्स अलग अलग सन, वरतदा चारे युगों च सी। हज़रत मुहम्मद साहब ने किया कि इस तों पहलां बड़े पैगंबर होए ने, इस्लाम मेरे तो पहला सी। वो इस्लाम जेड़ा पहला सी वो पंज नमाजा वाला नहीं सी, वो वजू वाला नहीं सी, वो नमाज से अजान वाला नहीं सी। नमाज तो सी उस वेले भी, वो होर प्रकार नाल सी। अजान तो हुंदी सी, रब का जिक्र तो हुंदा सी, परंतु होर फॉर्म में सी। पहले पैगंबरां ने इस्लाम होर तरीके ना प्रचारिया, हज़रत मुहम्मद साहब ने होर तरीके ना प्रचारिया। पहला धर्म होर फॉर्म में सी, गुरु नानक साहब आए तो उन्होंने एक नवी फॉर्म में उहदा सिर्फ प्रीचिंग का सिस्टम बदलिया। सो ये जिहड़ा धर्म है, किसी महापुरुष ने नहीं किया कि यह धर्म जिहड़ा है इस सन में जन्मिया, तो इस उन्होंने कहा कि धर्म सृष्टि के नाल आया है, प्रकृति के नाल आया है। मनुख रहे ना रहे धर्म रहेगा। बाणी असी अगे जदों पंज खंडां दी गल ही चलती है, राती रुती थिती वार पवन पानी अग्नि पाताल तिस विच धरती थाप रखी धर्मशाल। ये धरती धर्मशाला है। धर्मशाल कहड़ी है? धरती। असी रहीए ना रहीए धर्मशाल ते कायम है ना। इस्लाम नहीं सी ते धर्मशाल कायम सी, सिखी नहीं सी ते धर्मशाल कायम सी, क्योंकि धर्म कायम सी। पंथ लुप्त हो जावे, पंथ नष्ट हो जावे, तां भी धर्म रहेगा। परशिया दे विच एक धर्म सी मानी धर्म। पारसी धर्म तो कुछ समा पहला मानी एक व्यक्ति होया सी, उन्हें हनेरे ते चानण दी एक थ्यूरी दित्ती सी। बहुत सारे वो फॉलोअर हुए, परंतु वो मारिया गया हौली हौली, वो लुप्त हो गया, खत्म हो गया। पारसी हौली हौली खत्म होने के नेड़े जा रहे हैं। पंथ नष्ट हो सकता है, मानी ते उसके फॉलोअर नष्ट हो सकते हैं। किसी पंथ नाल भी यह स्थिति आ सकती है, पर इन्हां पंथां दे नष्ट होण नाल धर्म नष्ट नहीं हुंदा। कोई होर पंथ ते जमदे मरदे रहिंदे ने। जे पंथ जमदा है ते पंथ मर भी सकदा। धर्म ना जम्मिया है ना यह मर सकदा है, क्योंकि इह ते वाहिगुरू दे संग है। ते वाहिगुरू ये साडी रूपरेखा, ये वाहिगुरू दे संग नहीं है। असीं धक्के नाल ही असी सिखा तो उन्होंने बना लीए भी वह दाड़ी केसा वाला है, तो साढ़े वाग जोड़ा वो सजा के कृप पंज ककार से बैठा होगा, तो साड़ी अपनी परिकल्पना है। ये साढ़े गुरु महाराज हो सकते ने, क्योंकि उन्होंने जोड़ा सरूप एक देना सी अपनी आर्गेनाइजेशन, ये सरूप उन्हों का तो हो सकता है, परंतु ये उन्हों का वो सरूप नहीं है जिस सरूप जदों तो जगत है तदों तो कायम ने। तो जदों हुण गुरु गोबिंद सिंह महाराज दिसते तो नहीं, परंतु है तो हैं, परंतु वह दूजी फॉर्म च ने, अपनी अनादि फॉर्म च ने। इस तरह जिहड़ा धर्म है ये एक अनादि चीज़ है, जिहड़ी ना जमदी है ना मरदी है ना खंडित हो सकती है। तो असी पए हाँ सारे दे सारे तलवारां लै के इहदे पिछे किहदे टुकड़े करने ने। ए धर्म मेरा है, ए तेरा है, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। ये तो कह सकदा कि जीवन का ढंग ये मेरा है, ये तेरा है। और गुरु महाराज सच्चे पातशाह जीवन का ढंग जिहड़ा है उहदे लई साढ़े पंथ नूं होर सुचेत होना चाहिए।
साडे पंथ ने भिन्न भिन्न प्रकार के जीवन विवहार भिन्न भिन्न प्रकार का जिहड़ा विचरण है उहदे प्रति उहनां दी बड़ी उदार दृष्टि है सब प्रवान करदे ने। बाबा होर खाना खुशी खुआर जित खाधा तन पीड़िए मन में चले विकार, एवें लड़ी जाना यह धर्म है। वस्त्रां लई लड़ी जाना, रंगां लई लड़ी जाना, ये प्रवृत्ति जिहड़ी है ये धार्मिक नहीं अधार्मिक प्रवृत्ति है। धर्म जिहड़ा है वो मनुखता नूं जोड़न वास्ते है, तोड़न वास्ते नहीं। वो एक ऐसी एक धारा है जिस नाल असी सारे जे चाहिए भी टुट भी नहीं सकते, जुड़े भी हुए हैं, परंतु अज्ञान के कारण असी मनन वास्ते तैयार नहीं कि असी जुड़े हुए हैं। हाँ तो बजे हुए धर्म तो बाहर नहीं जा सकते असी, क्योंकि जिहड़ा धरती का आसरा ही जिहड़ा धरती का है उहदे तो असी बाहर किवें जावांगे, धरती तो परे कित्थे चले जावांगे। धरती तो साडा रहन सहन है, परंतु साडा अहंकार सानू ये मनन नहीं दिंदा, साडा अहंकार जिहड़ा है उस धर्म नूं समझण नहीं दिंदा, जिस कारण पंथ जिहड़े ने इहनां विच आपसी विवाद हुंदे ने, आपसी झगड़े हुंदे ने। तो ये मनुखता जिहड़ी है वो मैं देखता कि बाइबल दी पहली पोथी जिनेसिस उत्पत्ति संसार पैदा किवें होया, ओल्ड टेस्टामेंट दी पहली पोथी है तौरेत दी पहली पोथी है, उस विच कायन ते हाबल दो भरा ने। ये देखो महापुरखां ने जिहड़ियां चीज़ां साढ़े सामने रखियां ने वो बड़ियां गंभीर ने, इस करके रखियां ने कि मनुख विचारन सोचन। कायन ते हाबल दो भरा ने, दोना दो भरा हन ते किदे पुत्र ने एडम ते ईव दे, आदम ते जिसनू हवा कहंदे आ इन्हां दे पुत्र ने। दोवां नूं रब कहिंदा कि कुछ मैनूं भेट करो। एक भरा ने पशु कटिया, उहदे सामने जिहड़ा मास है पशु दा वो उहनूं चढ़ाया, भेट कीता। दूजा भरा खेती करदा सी, एक भरा जिहड़ा सी वह पशु चारदा सी, उहदे कोल पशु सन, उहने पशु कटिया भेट चढ़ाता। दूजा भरा खेती करदा सी, उसने शाकाहारी भोजन जिहड़ा सी वह प्रभु की भेट चढ़ाया। प्रभु प्रसन्न हो गया जिसने पशु की बलि दित्ती सी। दूजे दे मन में इतना रोस आया उसने उन्हें मार दिता, कतल करता। कतल कर दिता तो बाइबल में फिर ये लिखता लिखा गया है कि परमात्मा कहन लगा कि तू अपने भरा का कतल करके उसनू छिपा दिता है, जमीन में गड़ दिता है, पर यह जिहड़ी धरती है इस विचों उहदा खून पुकार पुकार के कहिंदा कि तू उसका कतल किया। मनुखता बनाउण वास्ते, मनुख बनाउण वास्ते प्रकृति ने अनेक प्रकार दियां कठिनाइयां विचों लंघ के यह मनुख बनिया है, मानव जन्म बनिया। प्रकृति का कितना कु इससे उत्ते शक्ति लगी है मनुख के निर्माण वास्ते, किथे पहला स्थूल स्थूल जड़े सन पदार्थ, जड़ पदार्थ, जड़ पदार्थ में चेतना भरना, छोटे छोटे जीव पैदा होने, पानी के जीव पैदा होने, फिर धरती ते रहने वाले जीव पैदा होने, उन्हां सारियां दी शिखर तक मनुख जे पहुंचिया तो प्रकृति दी कितनी कु इहदे उत्ते जिहड़ी है एनर्जी लगी हुई है। उस मनुख नूं मारिया जावे तां बाइबल कहिंदी है कि उस दे खून की आवाज़ जिहड़ी है वह तो धरती विचों मैनूं सुनाई दिंदी है, ये रब कहिंदा है। हुण इत्थे ये भी दस दिता
कि मनुख छोटिया छोटिया गल्लां करके ते धर्म करके लड़दा है। एक नूं गुस्सा आ रहा है कि मैं जे पशु बलि दी थी इहने दूजी बलि इहने भोजन क्यों दिता। ये समझाउण दी एक चेष्टा की गई है क्योंकि असी इन्हां ही चीज़ां दे नाम उत्ते अज तक लड़ाई झगड़ा फसाद ये करते आ रहे हैं। सो ये निवेदन है कि असी धर्म नूं पहला ठीक रूप में समझ लईए कि जिस जिहड़ा धर्म का डिसिपलिन है साडे वास्ते है, मेरे पंथ का डिसिपलिन मेरे वास्ते है। ये नहीं कि महत्व नहीं, नहीं संगठित रूप में मनुखता वास्ते कम करन लई मैनू एक अनुशासन में एक जबत च रहना पएगा तां ही कम कर सकांगा। दूजी चीज़ धर्म की प्राप्ति वास्ते किसी जबत में रहना पएगा क्योंकि धर्म अपने आप में ही एक अनुशासन है। एक अनुशासित चीज़ की एक गैर अनुशासित जिहड़ा जीव है वह प्राप्ति किवें कर सकता है? अनुशासन च आना पवेगा। ये अनुशासन धर्मां दा जिहड़ा है तो जिहड़ा ये पंथां दा अनुशासन है इहदी अपनी एक वैल्यू है, परंतु वैल्यू कितनी है? संगठन के अंदर तक, संगठन की मजबूती तक, और संगठन के आशे उद्देशों की प्राप्ति वास्ते क्रियाशील होने लई महत्व है। इस तो अगे इस दा कहिए कि इसका कोई स्थाई महत्व है कि इस ड्रेस पहनण दे नाल या मुसलमान वांग जिहड़ा है व्यवहार करन नाल कोई अल्लाह तक पहुँच जाएगा तो कोई ये संभव नहीं है। सारे पंथां वास्ते रब की प्राप्ति या परमेश्वर के नेड़े जाण वास्ते ये जरूरी है कि उन्हां नूं सतगुण धारण करने पैणगे, उन्हां नूं अपना अमल सुधारना पवेगा, मनुख तो देवता बनना पवेगा, दिव्य होना पवेगा। ये वाहिगुरू ने कृपा करती मनुख बनाता। हुण मनुख तो वो जे थले जाएगा तो फिर तो पशु हो गया, अगे तां वध सकेगा जे वो धर्म नूं धारण कर लवेगा। जे धर्म नूं धारण नहीं करेगा, जे पंथ ते रस्ते विच ही भुल गया, असी सारे रस्ते विच भुले हुए हैं। मैं फिर रिपीट कर देवां कि ये एक राह सी, राह ते चलदे चलदे असी राह नूं सब कुछ समझ लिया है। अज दी सिक्खी दा जिहड़ा प्रचार है किते असी देखांगे जे कोई संस्था कोई कुछ करती है तो वह प्रचार यही करती है इन्ने प्राणियों को अमृत छकाता है। जे सेवा भी अज गल कर रहे सरदार हरिंद्रपाल सिंह जी कि सेवा करते हैं तो असी सोचते हैं भी सिर्फ सिखां तक सेवा करनी है, मनुखता की सेवा नहीं करनी। उसका कारण है कि असी पंथ नूं धर्म समझ लिया है, असी समझ लिया है कि सिर्फ सिखां की सेवा कीतियां ही असी चंगे धार्मिक हो सकते हैं। जे कोई दूजियां की सेवा करेगा तो शायद वो साडे विरोधी जिहड़े ने उन्हां नूं मजबूत कर रहा है, जिवें भाई कन्हैया दे वेले समस्या आई, सिंह जिहड़ा है वह युद्ध कर रहे ने अपने विरोधियों नाल, दोवां पासे जिहड़ा है शस्त्र चल रहे ने, भाई कन्हैया जिहड़ा है वह दोवां पासे पानी पिलाई जा रहा है। वह दोवें जिहड़े जख्मी हुंदे ने जिन्हां नूं सिख मैदान में जिहड़ा है वह थले सुटते ने वार करके, वो फिर पानी पिला के उन्होंने फिर खड़े कर देता है। हुण जिहड़े सिख ने वह ये समझते हैं कि विरोधी हैं, और उस वेले ये भी चीज़ समझ लैनी चाहिए कि गुरु गोबिंद सिंह महाराज की कमान में वो लड़ रहे हैं, परंतु युद्ध में भी जिहड़ा टकराव है गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी का उन्होंने सारे तो नहीं समझ सकते ना। उन्होंने टकराव केवल बदी नाल है, व्यक्तियों नाल नहीं। आम सिख यह समझ रहा है कि मेरा टकराव जिहड़ा है इस कौम नाल है। भाई कन्हैया आके ये कहता है कि मैनू दोवां पासे गुरु गोबिंद सिंह महाराज नज़र आते हैं, इधर तो उधर तुसीं आप ही खड़ोते हुए। ये जिहड़ी सम दृष्टि है, ये सम दृष्टि जे किसी संगठन में आती है तो वह कमज़ोर नहीं होंदा, वह वड्डा होंदा है। असीं की समझते हैं कि सम दृष्टि आने नाल साडा पंथ कमज़ोर हो जाएगा, साडा धर्म कमज़ोर हो जाएगा। धर्म तो असी पंथ तो वरते ही नहीं, असी धर्म ही कहने हैं, और इस चीज़ का गौरव करते हाँ
कि साडा पंथ जिहड़ा है वह साडा इन्ना फैला है साढ़े गुरुद्वारे इन्ने ने इन्हां चीज़ों का अंकार करते हाँ जिहदे करके असी धर्म तो टुट जाते हैं। तो मेरा ये निवेदन है कि जिहड़ी चीज़ सानू धर्म सिखाउंदा है वो धर्म संगठन तकड़ा होवे, धर्म इस दे रस्ते विच कोई रुकावट नहीं है और ये वर्जित नहीं है धर्म विच कि संगठन तकड़ा होए, परंतु संगठन तकड़ा इस करके करना है कि मनुखता जिहड़ी है वह धर्म नाल जुड़ सके। मनुखता नूं धर्म नालों तोड़न वास्ते असी प्रयत्न नहीं करना। तो मैं जिहड़े यतन असी सारियां कौमां वाले जिहड़े ये यतन कर रहे ने वो सिर्फ अपनी लिविंग जिहड़ी है ना अपना स्टाइल जिहड़ा रहन सहन है वो उस नूं धर्म समझ के सिर्फ उस नूं प्रमोट कर रहे ने। ये नहीं कि सिख लिविंग प्रमोट नहीं करनी चाहिए, परंतु सिख लिविंग प्रमोट करदिआं सिख लिविंग जिहड़ी है जिहड़ा साडा रहन सहन है असी ये समझ लीए सारी मनुखता उत्ते इंपोज करना है, तो मैं समझदा भी ये एक औरंगजेबी प्रवृत्ति है। ये औरंगजेबी प्रवृत्ति है। औरंगजेब चाहुंदा सी कि सारे एक तरीके नाल रहन। गुरु नानक साहब ते होर महापुरख जिहड़े ने उन्हां नूं ये संसार विच भांत भांत दे लोकां दा रहन सहन उन्हां नूं ते बड़ा प्यारा लगता है। विस्माद नाद, विस्माद वेद, विस्माद जीव, विस्माद भेद, विस्माद रूप, विस्माद रंग, विस्माद नांगे फिरे जंत, ये भिन्न भिन्न प्रकार की कुदरत रंगी रंगी भांति कर कर जिनसी माया जिन्हों पाई ये ते वाहिगुरु ने खूबसूरती बनाई है जगत की। जिवें ये भांत भांत दे जीव भांत भांत की धरती किते समुंदर किते मारूथल किते पहाड़ किते मैदान किते दरिया वगदे ने जिवें इन्हां ने कुदरत नूं शिंगारिया है इस तरह न्यारे न्यारे विचरण न्यारी न्यारी रहन शैली ते न्यारे न्यारे पंथ जिहड़े ने इह वाहिगुरू की जिहड़ी कुदरत है उहदी ब्यूटी वधाउंदे ने खूबसूरती वधाउंदे ने। इस करके गुरु तेग बहादुर महाराज जी ने औरंगजेब ने जदों ये कहा कि तुसी मुसलमान हो जाओ मैं इत्थे इक्को ही दीन करना चाहुंदा तां उन्हां कहा कि नहीं तू इस बगीचे नूं हानि नहीं पहुँचा सकता, मैं इस बगीचे दे विच एक होर फुल विलखण जिहड़ा है वह भी पैदा कर देंगा। तो एक औरंगजेबी प्रवृत्ति है जिहड़ी किते ना किते साडे सारिआं दे चित जिहड़े बड़े धार्मिक ने उन्हां दे चित च भी है। जदों वह ये सोचते ने मैं एक ग्रंथ पढ़िया नाम नहीं लेना चाहता मैं वो बड़े सत्कारयोग ने फिर अगे उन्होंने जत्थे के लोग भी कई ने कई साल बाद मैं सोचा कि थोड़ा जहा फिर इन्हों पढ़ के देखा क्योंकि जदों भी पढ़िया तो अगों पढ़न तो चित नहीं किया कि नहीं पढ़ना। उन्होंने शुरू के पन्नों में ही जी किताब मैं चुकी वो लिखा हुआ कि किसी नूं भी अगर इंसान को मुक्ति चाहिए तो उन्होंने सिख कराने जन्म लेना ही पवेगा। तो मैं बड़ी अजीब गल लगी मैं उस तो बाद पढ़ ही नहीं सकिया। तो मैं क्या गुरु नानक साहब के आने तो पहला गुरु साहब तो कहते हैं कि जुगां जुगां दे विच भगत होए ने और जुगां जुगां विच मुक्त हो गए ने। नाम दे मुक्त हो गया उन्होंने तो पहला कबीर मुक्त हो गया तो प्रमाण ने ना साढ़े सामने ये तो मुक्त व्यक्ति सन जे गुरु ग्रंथ साहब ने इन्हों तो मुक्त मान लीए ना। रविदास से मुक्त हो गया सी गुरु नानक साहब के आगमन तो पहला जे ये मुक्त हो गए सन तां उस तो पिछों गुरु जी केड़ा इतना अहितकारी काम कर गए ने मनुखता दे संबंध में भी हुण कोई होर मुक्ति नहीं हो सकता। ये तो बड़ा मानवता का नुकसान है कि वह पाबंदी ला जाण के ना होर कोई हुण कोई मुक्त नहीं होगा सिर्फ सिख मुक्त होगा। ये कोई चंगा काम कर गया कि माड़ा है? सोच के देखो ये चंगा काम है मनुखता के हित में है। मनुखता के हित में तो यह गल सी गुरु साहब महाराज जी की जित द्वारा उभर तित ले उबार ਇਹ ਗੱਲ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੋ ਇਹ ਸੰਕੀਰਨਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਆਪਣੀ ਮਰਿਆਦਾ 'ਤੇ ਪਰਿਪੱਕ ਹੋਣਾ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਆਪਣੇ ਸੰਸਕਾਰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਇਸ ਨੂੰ ਪਰਿਪੱਕ ਕਰਨਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਿ ਬੇਟਾ ਧਰਮ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਨਾ ਰੁਕ ਜਾਈ। ਧਰਮ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਧਰਮ ਤੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਮੰਦਰ ਅਤੇ ਮਸਜਿਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ
कि वह कहते हिंदू अन्ना तुरकुकाना दोहां ते ज्ञानी सियाणा, हिंदू पूजे देहुरा मुसलमान मसीत, नामे सोई सेविया जै देहुरा ना मसीत। जिथे मंदिर ते मस्जिद ते गुरुद्वारे दा ते चर्च दा भेद खत्म हो जावे, धर्म की प्राप्ति उदों है। धर्म उदों मिलेगा, गुरुद्वारे जाना खत्म नहीं होगा। गुरुद्वारे गुरुद्वारा बहुत चंगा ते दूजे धर्म स्थान बहुत माड़े, ये भेदभाव जदों खत्म हो जाएगा उदों बंदा धार्मिक बन सकता है। ये सानू अपने जिन्हां नूं असीं रहत मर्यादा विच लिआउंदे आ, ये नाल नाल जिहड़ा है ये दसना चाहिए कि रहत मर्यादा की प्राप्ति ये सिक्खी की प्राप्ति नहीं है, इत्थों ते शुरू है काम। सिक्खी की प्राप्ति जिहड़ी है वह ते वह मानवी गुण ने जिहड़े सारी मनुखता दे सांझे ने, ते जिहड़े मनुखता दे विच सांझ पैदा कर सकते ने। असीं बाणी असीं पढ़ने ना, सांझ करीजै गुणा केरी, सारी बाणी ते एक पिता एक इसके हम बारक, ये जिहड़ी गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की बाणी है। असल धर्म यह है, क्यों ये असल धर्म है, क्योंकि ये सारी मनुखता नूं जोड़न वास्ते है, इहदे च किसे कौम की मर्यादा ही कोई नहीं है। सिक्खी की जिहड़ी एक विलक्षणता है जिहड़ी असीं विश्व नूं दे सकते हाँ, जिहड़ी सानूं लोकां नाल सांझी करनी चाहीदी है, वह यह वे कि होर धर्म ग्रंथां विच कौमां की मर्यादा शरा मिल जाएगी। साडे गुरु साहिब महाराज जी ने ऐसी क्रांति की कि खंडे बाटे की अमृत की मर्यादा ते होर जिहड़ी सिख पंथ दीयां चीज़ां सन वह साडे गुरु ग्रंथ साहिब विच किते नहीं आईयां। साडे गुरु ग्रंथ साहिब विच केवल तो केवल मानवता आई, मनुख दे मनुख जिहड़ा है वह इस संसार विच आया माया विच किवें भुल गया, यानी कि सिख किवें भुल गया ना, मनुख किवें भुल गया। तो उस जिहड़ा ये संसार भवजल दे विच फस गया, इहदे विचों वह मुक्त किवें हो सकता है, निकल किवें सकता है, ये गुरु ग्रंथ साहिब विच आया। मानवता की गल है, मनुखता की गल है, तो मनुखता नूं जोड़न की गल है, धर्म की गल है, तो एक धर्म की गल है गुरु ग्रंथ साहिब विच, वह जिहड़ी है वह सानूं जरूर वो पहला प्रवाहित करनी है। एक चीज़ ध्यान रखना, सिक्खी ने नौ जामे गुरु महाराज जी ने धर्म प्रचार है, धर्म परपक्ष किया कि आ धर्म जिहड़ा है सबना जिया का एक दाता सो मैं मिसर न जाइए, वो रब उसनू मनी जिहड़ा सारिया का बन सके। एक एक ओंकार साढ़े हिरदियां विच दृढ़ किया नौ पीढ़ियां तक, उन्होंने कहा हुण सरूप का तू अधिकारी हो गया। असी की समझते हैं, असी सरूप धारण कर लिया, असी धर्म के अधिकारी हो गए। गुरु जी ने की किया, गुरु जी ने किया कि पहला धर्म उहदे हिरदे विच जमाया, पक्का किया कि हुण सरूप धारण कर लिया, हुण सरूप नुकसान नहीं करेगा तेरे धर्म नूं। साडी मुसीबत कित्थे है, प्रॉब्लम कित्थे है पंथां विच, पंथां झगड़े क्यों ने कि साडा सरूप धर्म वास्ते जिहड़ा है खतरनाक हो गया। क्यों? क्योंकि असी सरूप नूं धर्म समझ लिया है, असी रहन सहन नूं धर्म समझ लिया है। सो मेरा यह निवेदन है आप जी अगे सारे अगे कि सानू ऐसा प्रयत्न करना चाहिए कि असी विश्व नूं यह दस सकीए कि गुरु ग्रंथ साहिब विच मानव धर्म है, इहदे च सिख धर्म नहीं है। इत्थे सिख पंथ नूं ते वखरे करके रखे है, सिख पंथ नूं तां इह ड्यूटी दित्ती है कि रहत एक रहत विच इकट्ठा हो जा, तो इहदा जिहड़ा मानववादी संदेश है सारी मनुखता तक पहुँचा। ये इतना कुछ कहता होया मैं, क्योंकि धर्म के उत्ते बहुत सारी व्याख्या बहुत सारिया तुकां ने, मैं इतना कुछ कहता होया खिमा दा जाचकां। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू। धन्यवाद डॉक्टर साहब, तुसी अज दे इस लैक्चर विच बहुत ही जानकारियां दित्तियां, और सच जानो असी जिहड़े गुरुद्वारे गुरु नानक साहब ने धर्मसाल की गल की और बाद विच इसका नाम गुरुद्वारा पिया, दरअसल ये गुरुद्वारे तो साडे स्कूल ऑफ थॉट से स्पिरिचुअल कॉलेज, पर जो हुण अज मैं कदी इत्थे वो जिक्र करना नहीं कि इस तरह के हुण क्यों हो गया इस तरह। साडी इत्थे जिहड़ी थ्रस्ट इस कोर्स नूं चलाउण दी सिर्फ तो सिर्फ यही सी कि असी समझिए कि गुरुद्वारे किस लई बने सन। ये स्पिरिचुअल कॉलेज से, ये स्कूल ऑफ थॉट से कि उत्थों जाके असी जिहड़ी मनुखता का संदेश
और मानवता का संदेश, मानव की जात सब एक ही पछाण वो का संदेश, गुरु ग्रंथ साहब जीवन जाच है, गुरु ग्रंथ साहब वे ऑफ लाइफ है। गुरु ग्रंथ साहब दे विच असी अगे जिवें जिवें टॉपिक्स आन गए, हुणे गुरु डॉक्टर साहब ने भाई घनैया की गल की, साडा टॉपिक है एक सेवा ते, उस विच भी इस दे बड़े जिक्र आन गए, तो ये अलग अलग अगे आन गए। सवाल सिर्फ इतना है कि अज दे इस जिहड़े टॉपिक दे उत्ते साडी सिर्फ इतनी गुजारिश है, तुहानू बेनती है कि धर्म दे सही मैने असी आप समझिए और अपने बच्चों नू समझाइए। सच जानना जदों छोटी छोटी गल च साडे बच्चे और साडे नौजवान सड़कां ते आ के जो कुछ हुंदा है पिछले 5, 7, 8, 10 सालों तो खास करके, और पूरे वर्ल्ड दे विच अज मीडिया इतना स्ट्रोंग हो गया है, जदों वर्ल्ड दे विच ये गल्लां जांदियां ने लोग साडे बारे फिर कुछ होर ही सोचण लग पैंदे ने। गल सिर्फ इतनी है कि जिस सही मायने विच असीं अपने धर्म की गल नू जान पाईए तो समझदा कि एक चंगी सुसाइटी और एक चंगे परिवार और एक चंगा माहौल जिहड़ा है वह कायम हो सकदा जी।